गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर लेबर कॉस्ट चैप्टर का एक टॉपिक टोटल रेमुनरेशन अंडर पीस रेट सिस्टम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक्स वाई जेड लिमिटेड है, सिंगल शिफ्ट में 8 आवर्स काम होता है, 25 दिन है। तो इन ए मंथ 25 दिन मैक्सिमम काम हो सकता है, अब पर डे 8 आवर्स। कंपनी अपना स्टैंडर्ड आउटपुट और इंसेंटिव स्कीम फिक्स किया है, तो उसका डिटेल्स देखिए। देखिए, पीस वर्क वेजेज 2 रुपया पर यूनिट, जो जितना बनाएगा उसके पीछे 2 रुपया पर यूनिट देंगे, लेकिन एक बात का गारंटी है कि उसका मिनिमम वेजेज 60 रुपया पर डे होगा। तो इसका मतलब हो गया, कोई भी वर्कर मिनिमम अगर 30 यूनिट बनाता है तो वो 60 रुपया पा जाएगा, और 30 से ज्यादा अगर 40 बनाता है तो 80 पाएगा। 60 तो मिनिमम है, लेकिन वहीं पर कोई वर्कर 25 यूनिट बना पाया किसी कारण से, तो उसका 50 रुपया वेजेज हो रहा है, तो उसको गारंटीड मनी 60 देंगे। इसका मीनिंग हुआ कि अगर पीस वेजेस टाइम वेजेस से कम हो रहा है तो हम लोग टाइम वेजेस देंगे, विच एवर इज मैक्सिमम। डियरनेस अलाउंस 40 रुपया पर डे है, एक दिन का डीए 40 रुपया, प्लस बोनस भी है। अगर आपका इफिशियंसी 80% है तो बोनस नहीं होगा, 80% से ऊपर अगर 1% जाता है तो 50 रुपया बोनस है। अगर कोई वर्कर 82% इफिशियंट हो गया तो उसको 100 रुपया बोनस मिल जाएगा, 83 हुआ तो 150 हो गया, 80 के ऊपर जाने से ही 1% के ऊपर 50 रुपया। यहां से देखिए, पर डे का प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड 40 यूनिट, जो जितना डे काम करेगा उसको 40 यूनिट करके बनाना होगा। और जनवरी मंथ का डिटेल में देखिए, 4 वर्कर है यहां पे, वो 25 दिन काम किया तो इसको 1000 बनाना चाहिए, ये 18 डेज काम किया तो इसको 720 बनाना चाहिए, 40 से इंटू कर देंगे तो इसको भी 1000 बनाना चाहिए, इसको 960 बनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में 40 बनाना है, जो जितना दिन काम किया उसको 40 से इंटू कर दिया। जबकि उन लोगों का प्रोडक्शन यहां देखिए दिया हुआ है आउटपुट, इससे हम लोग परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेंगे, कौन कितना परसेंट इफिशियंट है, जो 80% के ऊपर होगा उसको बोनस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ओके, यहां देखिए टोटल अर्निंग्स निकालना है। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये 4 वर्कर है, ए बी सी डी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 40 यूनिट्स, एक दिन में 40 यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है, ये हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। नंबर ऑफ डे वर्कड, कौन कितना दिन काम किया, तो ये है 25 दिन, 18, 25 एंड 24 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ। अब इसका इंटू कर दीजिए, 1000 यूनिट्स, 720 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 960 यूनिट्स हो गया एक्चुअल प्रोडक्शन इसका था 820 यूनिट, 500 यूनिट, 910 यूनिट,
780 यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड से डिवाइड कीजिएगा, दैट इज 820 को 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 82%। 500 को 720 से डिवाइड करके इनटू 100 बिलो हो गया 69%, ये आ जाएगा 91%। ये 780 डिवाइडेड बाई 960 इंटू 100 81.25%। बोनस, अगर बोनस का बात कीजिए तो ये 80% से बेसी है 2%, तो इसको बोनस 100 रुपया मिलेगा, क्लियर, इसको बोनस नहीं मिलेगा। ये देखिए 11% बेसी है, इसका बोनस बड़ा हो जाएगा, 1% का आपका 50 रुपया था तो 11% बेसी है। अब रहा सवाल इसका, तो इसको मिलना चाहिए 50 रुपया, तो इसका हो गया 50। ओके, फ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं, 80% के ऊपर कंप्लीट में तो 1% है, तो 50 रुपया पाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, 80% पे नील है, यहां देखिए 80% के ऊपर जाने से 50, एवरी 1%, ठीक है, 1% इंक्रीज होने से 50। ये इनका नंबर ऑफ डे वर्क था, ये एक्चुअल प्रोडक्शन था, क्लियर है। यहां देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 40 यूनिट था। अब थोड़ा सा वेजेस पे आते हैं, 2 रुपया पर यूनिट है, 60 रुपया पर डे है। पीस वेजेज, पीस वेजेज एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 2 रुपया, यहां देखिए 820 प्रोडक्शन है, 2 रुपया करके 1640, यहां 1000, यहां 1820, यहां 1560, 2 रुपया से इंटू कर देना है, एक्चुअल प्रोडक्शन ये था, 2 रुपया से इंटू कर देना है। टाइम वेजेज, नंबर ऑफ डेज वर्क इंटू ₹60। आप यहां देखो 25 दिन काम किया है, 60 रुपया करके देना है, तो अगर डे के हिसाब से देंगे तो 1500। यहां देखो 18 डेज काम किया है, 60 रुपया देना है, तो डे के हिसाब से 1080। बगल वाला 25 दिन 24 दिन, 25 दिन का 1500 और 24 दिन का 1440। तो वर्कर बी का पीस वेजेज 1000 है, जबकि टाइम वेजेज ज्यादा है, तो गारंटी वाला बात था, मिनिमम गारंटीड था, तो इसको 1080 देना ही होगा। अगर किसी का पीस वेजेस डे वेजेस से कम होता है तो उसको डे वेजेस देना होगा। प्लस डीए था 40 रुपया पर डे था, इसके अलावा बोनस तो निकाल ही दिए, यहां पे ये 2% एक्सेस है तो 100 रुपया बोनस पाएगा, ये बोनस नहीं पाएगा, ये 1% एक्सेस है तो 50 रुपया बोनस पाएगा, ये 80 के ऊपर 91 है, दैट इज 11% है, तो 550 पाएगा। अब इसी को चलिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेज में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्कर है ए, बेसिक वेजेज,
यहां देखिए आप बेसिक वेजेज में इसको 1640 देंगे, इसको 1080 देंगे, इसको 1820 देंगे, 1560 देंगे। ओके, एड डीए नंबर ऑफ डेज इंटू 40 रुपया, 40 रुपया पर डे है। यहां है आपका 25 दिन, 18 25 24, तो 25 दिन का 40 रुपया करके 1000, 18 का 720, फिर 1000 और 24 का 960 प्लस बोनस। बोनस आया था यहां देख लीजिए, 100 नील 550 और 50 बोनस था, 100 नील 550 50, बस इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल वेजेस। ये हो गया 26 2740, ये हो गया आपका 1800, ये हो गया 28 5 33 3370, ये हो गया 15 न 24 25 20 25 70। ओके, तो ऐसे करके बेसिक वेजेस तो यहीं पे कैलकुलेट हुआ था, पीस वेजेस बेसी है तो पीस वेजेस देंगे, केवल इस केस में टाइम वेजेस देना है। अच्छा, डीए 40 रुपया पर डे बोला हुआ था, बोनस कैलकुलेट किए थे, तो ये हो गया सॉल्यूशन। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो, यहां देखो पीस वर्क था 2 रुपया पर यूनिट, लेकिन मिनिमम 60 रुपया पर डे देना ही है। डीए 40 रुपया पर डे, बोनस देखिए यहां पर 80% पे नील, 80 के ऊपर जाने से 1% जाने से 80 50 रुपया था। यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे 25 है, यहाँ डे देखिए इसको 25, ये सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट 40 है, ये डे है, इंटू कर दिए स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड इंटू 100, इफिशियंसी आ गया। ओके, क्वेश्चन था कैलकुलेट अर्निंग्स, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, वर्किंग के साथ, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।